नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल द नॉलेज ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड पब्लिक हेल्थ में। आज हम आए हैं पशु चिकित्सालय पनलावा और आज हम डॉक्टर साहब से चर्चा करेंगे अन स्ट्रेस के बारे में। डॉक्टर साहब आपका भी स्वागत है। धन्यवाद। आप कुछ बताएं हमें अन स्ट्रेस के बारे में, हमारे दर्शकों को भी बताएं। देखो अन स्ट्रेस, जैसे आपने बहुत बढ़िया बताया कि अन स्ट्रेस का जो देसी भाषा में मतलब ये है कि जानवर का ताव में नहीं आना या जानवर का हीट में नहीं आना या अपन मारवाड़ी भाषा में बोलते हैं पाली में नहीं आना। तो ये इसकी जो डेफिनेशन यही है, इसकी परिभाषा यही है कि जानवर जो है वो ताव में नहीं आता। तो ये अवस्थाएं दोनों तरफ हैं कि आप एक मादा बछड़ी को पाल रहे हो, 5-6 साल हो गए आपको पालते हुए, तो वो भी हीट में नहीं आती। और कई बार ऐसी भी अवस्थाएं होती हैं कि जानवर 2-3 बार ब्याह गया लेकिन बाद में भी वो लंबे समय तक हीट में नहीं आता। तो इसका मतलब सीधा सा है कि जानवर ताव में नहीं आता, पाली में नहीं आता। ये बहुत बड़ी समस्या है। डॉक्टर साहब, मेरा आपसे पशुपालकों की ओर से या मेरी ओर से यह क्वेश्चन है कि सबसे पहली बार पशु कब हीट में आता है और उसका सही टाइम क्या है, उसका सही वजन कितना होना चाहिए, इसके बारे में आप कुछ बताएं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपका, बहुत शानदार क्वेश्चन है कि जब मादा बछड़ी की का जन्म होता है तब से लेकर जब वो हीट में आती है, ठीक है, तो इसके बीच का जो समय है उसका आप जो है आप प्यूबर्टी कह सकते हो उसको, मैच्योरेशन पीरियड जो है वो होता है, वो कितना होना चाहिए ये आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। अब मैच्योरेशन पीरियड इस बात पे डिपेंड करता है, देखो पशु की उम्र से ज़्यादा डिपेंड ये करता है कि उस मादा बछड़ी का वजन कितना है। ठीक है, मेन मेन चीज़ है जो वजन पे है। अगर वो मादा बछड़ी वजन जो 300-350 किलो का जो वजन है वो जल्दी से ग्रहण कर ले तो उसमें मैच्योरिटी जल्दी आ जाएगी, वो जानवर है वो जल्दी ताव में आ जाएगा। ठीक है, और उस जानवर को अगर उसमें मैच्योरेशन लेट आया, उसने वेट जो है वो लेट ग्रहण किया, मान लो कि 300-350 किलो वजन उसको ग्रहण करने में 5 साल लग गई, तो उसका मैच्योरेशन जो है 5 साल में होगा, तब उसको हीट आएगा। तो इसमें सबसे बड़ी जो वजह है वो पोषण की। अब देखो आपको जो आपने बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है कि पहली बार जो बछड़ी है वो हीट में क्यों नहीं आती, तो इसकी कुछ वजह हैं जो मैं आपको एक एक करके गिनाता हूँ। तो सबसे पहली वजह मैं आपको सबसे पहले तो मैं वजह बताऊँगा अंतः परजीवी कि मादा बछड़ी जो वो होती हैं उसके शरीर में कुछ अंतः परजीवी होते हैं, वो अंतः परजीवी जो है मादा बछड़ी को हीट में नहीं आने देते। तो आपको सबसे बढ़िया जो है आपको उसका क्या करना पड़ेगा, उसके जितने भी अंतः परजीवी हैं उनको सबको मारना पड़ेगा, उनको किल करोगे तब वो मादा बछड़ी हीट में आ जाएगी। ये वजह एक है। दूसरी वजह है पोषण। सबसे मेजर वजह जो अपन जो पशुपालक क्या करता है कि जैसे मादा बछड़ी का जन्म हुआ, जन्म होने के बाद में उसको कुछ दिन तक दूध पिलाता है। दूध वो इसलिए पिलाता है कि उसकी जो माँ है वो दूध दे दे, टाइम पे दूध दे दे और उस दूध को हम डेयरी वाले को बेचते हैं। बस उनका टारगेट यही है। वो उस मादा बछड़ी के बारे में कभी नहीं सोचते कि उस मादा बछड़ी को कितना दूध पिलाना है। आपने किताब में ये लिखा हुआ है और ये है कि उसके वजन का 1/10 हिस्सा जो दूध है उस मादा बछड़ी को देना चाहिए। मान लो कि मादा बछड़ी जो है वो दूध पी रही है, उसका वजन 40 किलो है, तो उसका 4 लीटर दूध जो है वो मादा के उस मादा बछड़ी को मिलना चाहिए माँ का। लेकिन कौन पिलाता है 4 लीटर? अगर 4 लीटर पिला दिया तो उनकी डेयरी वाला दूध कम हो जाएगा, है ना, उनकी कमाई कम हो जाएगी। तो वो लोग क्या करते हैं, वहाँ से इसको है ना न्यूट्रिशन का जो है वहाँ से कमी शुरू होती है इस जानवर को। और बाद में क्या करते हैं, जब जानवर जो है अपने आप पाउसने लगता है तो उसको बिल्कुल ही दूध नहीं पिलाते, फिर उसको क्या करते हैं घास फूस पे डाल देते हैं। और घास फूस पे क्या डालते हैं, तूड़ी। अब तूड़ी के अंदर आप देखोगे तो तूड़ी का अगर क्रूड प्रोटीन, उसके अंदर प्रोटीन की मात्रा 2-3% होती है, और उसकी डाइजेस्टिबल क्रूड प्रोटीन आप निकालो DCP, मतलब पाचन के बाद में शरीर में कितनी प्रोटीन गई, तो वो 0 है। तो क्या तूड़ी खिला के आप अपनी मादा बछड़ी को क्या हीट में लाना चाहते हो? नहीं, तो वो तो फिर पोषण से वंचित ही रहेगी हमेशा। तो ये पशुपालक इस चीज़ पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते पोषण पे। आप उसको तूड़ी खिलाते रहते हो, तूड़ी खिला, हरा भी नहीं खिलाते आप, तूड़ी भी खिलाते हो। तो ये मेजर प्रॉब्लम है पोषण, क्योंकि जानवर को देखो संतुलित आहार, मेरे बहुत सारे वीडियो आ चुके हैं, जब तक आप उस मादा बछड़ी को संतुलित आहार नहीं दोगे, उसको बांट नहीं दोगे, तब तक वो मादा बछड़ी जो है अपना वेट ग्रहण नहीं करेगी, और वेट ग्रहण नहीं करेगी तो प्यूबर्टी नहीं आएगी, और प्यूबर्टी नहीं आएगी तो हीट के साइन नहीं आएंगे। तो वो जानवर जो है 5 साल के या 5 साल बाद में भी अगर हीट में आ रहा है तो बड़ी बात है थोड़ी पे, ठीक है। तो उसमें अगर पोषण ढंग से दोगे तो वो जानवर है 2 साल या 2.5 साल, जितना आप बढ़िया पोषण दोगे उतनी जल्दी वो प्यूबर्टी में आ जाएगा और हीट साइकिल जो है उसका शुरू हो जाएगा। एक वजह और है
मान लो कि पशुपालक जो है उसने बढ़िया उसका जो डिवॉर्मिंग भी कर दिया, बढ़िया पोषण भी दे रहा है, ठीक है, फिर भी ऐसा लगता है कि जो जानवर है वो उसका हीट में नहीं आ रहा। भाई खाना पीना बढ़िया दे रखा है, सब कुछ दे रखा है, फिर भी जो बछड़ी है प्रथम बार हीट में नहीं आ रही, तो उसका मेजर कारण है एक हार्मोन होता है। आपको पता हो कि ओवरी जो होती है वहाँ से अंडा बनता है, अंडा निकल कर फेलोपियन ट्यूब में आता है और नीचे से शुक्राणु जाते हैं, दोनों मिलते हैं तो बच्चा बनता है। तो उस मादा बछड़ी की जो एक हार्मोन बोलते हैं FSH, जिसको बोलते हैं फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यह हार्मोन क्या करता है, ओवरी पर जो फोलिकल पड़ी रहती है उस फोलिकल का विकास करवाता है, और विकास करवा के हर 21वें दिन के बाद में एक अंडा बाहर निकालता है। तो उस FSH हार्मोन की अगर कमी हो जाए, अगर पोषण बढ़िया है और किसी कारण वन से अगर FSH हार्मोन की कमी हो जाए, तो उसकी ओवरी पर जो है फॉलिकल का विकास नहीं होगा, और जब फॉलिकल का विकास नहीं होगा तो उसमें ओवुलेशन नहीं होगा, और ओवुलेशन नहीं होगा तो जानवर हीट में नहीं आएगा। तो ये कुछ कुछ कारण है जो कि मादा जो प्रथम बार जो हीफर है वो हीट में नहीं आती है इसके कारण। कई बार ये भी होता है डॉक्टर साहब, जैसे ये तो हीपर की आपने समस्या बताई, जो बच्चिया है उसकी समस्या बताई, कई बार ये होता है कि पशु ब्याह भी जाता है उसके बाद कई दिनों तक हीट में नहीं आता, उसमें क्या कारण है, ये भी आपने दर्शकों को बताया। बिल्कुल, आप ये भी बहुत बड़ी मेजर प्रॉब्लम फील्ड की, हीपर वाली तो है ही है ना, पाँच हीपर वाली तो बताया, पाँच साल तक लेके बैठे रहते हैं, और ब्याहने के बाद में भी जानवर साल भर तक हीट में नहीं आता, तो उसमें भी ये कारण भी है। अंतःपरजीवी भी हो सकता है, पोषण की कमी, कोई भी खनिज लवण है उसकी कमी हो सकती है, बहुत सारे खनिज लवण ऐसे हैं जो कि रिप्रोडक्शन से संबंधित हैं, बहुत सारी विटामिन है ए डी ई जो रिप्रोडक्शन से संबंधित हैं, अगर विटामिन ए डी ई की कमी हो जाए तो वह जानवर हीट में नहीं आएगा। हीपर में भी अगर विटामिन ए डी ई की कमी हो जाएगी तो हीपर भी हीट में नहीं आएगी, और ये जो ब्याया हुआ जानवर है वो भी हीट में नहीं आएगा, तो उसका पोषण भी आपको बराबर चेक करना है। चलो आपने पोषण बढ़िया दे दिया, पोषण आपके मान लो कि आइडियल राशन है, आप पोषण में आपकी कमी नहीं है, तो एक छोटी सी दिक्कत होती है कि ओवरी पर एक गांठनुमा संरचना होती है, उसको अपन बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है, और कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रवण करती है, और जैसे जैसे प्रोजेस्टेरोन का लेवल रक्त में ज़्यादा रहता है जानवर हीट में नहीं आता। जानवर के हीट के लिए जो जिम्मेदार हार्मोन होता है वो होता है एस्ट्रोजन। तो आपको जानवर को बोलना है, ताव में लाना है, पाली में लाना है, तो आपको रक्त में एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ाना पड़ेगा, और रक्त में एस्ट्रोजन का लेवल तब तक नहीं बढ़ेगा जब तक ओवरी पर कॉर्पस ल्यूटियम है, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम लगातार प्रोजेस्टेरोन का स्रवण कर रही है। तो ये प्रॉब्लम आपको मिल सकती है कि आपने बढ़िया उसकी डिवॉर्मिंग कर रखी है, आपने बढ़िया पोषण दे रखा है, फिर भी आपका जानवर हीट नहीं आ रहा, तो उसको बोलते हैं परसिस्टेंट सीएल। परसिस्टेंट सीएल का मतलब ये होता है कि वो जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो ओवरी पर चिपक की गई, वो घुली नहीं रही, जब वो घुलेगी नहीं तो वो लगातार प्रोजेस्टेरोन का स्रवण करती रहेगी, जानवर हीट में नहीं आएगा। तो उसके लिए बस आपको थोड़ा सा ये करना है कि जो कॉर्पस ल्यूटियम है उसको आपको घोलना है, और घोल के आप जानवर को हीट में ला सकते हो। तो ये है उसकी मेन वजह। और इसके लिए आप पशुपालकों के लिए आप क्या बताना चाहेंगे, वो घर पे किस तरीके से खान पीन का ध्यान रखें, किस तरीके से मेडिसिन दें या कोई मिनरल्स दें, किस तरीके से वो अपने वो डाइट उनके लिए बनाएं ताकि उनको ये समस्या ना हो। देखो मैं दोनों के लिए बता रहा हूँ, हीफर हो या जानवर ब्याहने के बाद में जो हीट में नहीं आ रहा हो, आप एक जो है एक ट्रीटमेंट को फॉलो करिए। आप लगातार मैं जैसे बता रहा हूँ उस हिसाब से आप ट्रीटमेंट करिए, आपका जानवर हीट में आ जाएगा। आपको सबसे पहले उसका डिवॉर्मिंग करना है, अर्थात उसके शरीर के अंतः परजीवियों को मारना, ठीक है। तो मार्केट में ऐसे बहुत डिवॉर्मर उपलब्ध हैं, एल्बेंडाजोल है, फेनबेंडाजोल है, तो उसकी एक टेबलेट 1500 mg की एक टेबलेट लाकर आप सुबह सुबह खाली पेट उसको दे दें, ठीक है, और आधे एक घंटे तक उसको चारा पानी नहीं देना। चारा पानी आपने दे दिया तो वो जो आपने गोली दी वो घास में उलझ जाएगी, उसका अवशोषण नहीं होगा। तो आपको सबसे पहले दिन आपको आज मान लो कि आज ही आप सोच लो कि आपको जानवर आपका हीट में लाना है, तो आपको सबसे पहले एल्बेंडाजोल हो चाहे फेनबेंडाजोल हो 1500 mg की एक टेबलेट आपको ओरली मुझसे देनी है, ठीक है। अगर अंतः परजीवियों की वजह से जानवर हीट में नहीं आ रहा है तो जानवर हीट में आ जाएगा। अब आपका जानवर हीट में आ गया तो आप कृत्रिम गर्भाधान करवाइए, जानवर प्रेग्नेंट हो जाएगा। चलो आपने पहली टेबलेट दी उससे भी जानवर जो है हीट में नहीं आया, तो दूसरी चीज़ आपको क्या करना है कि आपको कुछ अंकुरित अनाज देने हैं। चाहे अंकुरित अनाज के अंदर आप गेहूं अंकुरित दे सकते हो, अंकुरित बाजरा दे सकते हो, जो मार्केट में सबसे सस्ता हो उस अंकुरित अनाज को उस जानवर को देना है पोषण के रूप में, ताकि उसके शरीर में जो पोषण की कमी है वो पूर्ति हो जाए।
तीसरी चीज आपको ध्यान रखनी है कि जानवर के शरीर में बहुत सारे मैंने खनिज लवण बताए जो किससे संबंधित हैं, प्रजनन से संबंधित हैं। तो आप मार्केट से 1 किलो एग जो मिनरल मिक्सर है उसको आप खरीद के ले आओ, बहुत सारे मार्केट में ट्रेड नाम से बिकते हैं। तो 1 kg आप मिनरल मिक्सर ले आओ और 50-50 ग्राम जो मिनरल मिक्सर है वो आप डेली शुरू कर दो। अगर उस जानवर के अंदर कोई खनिज लवण की कमी से जानवर नहीं बोल रहा है तो आपका जानवर जैसे ही खनिज लवण की पूर्ति होगी आपका जानवर ताव में आ जाएगा, आप कृत्रिम गर्भाधान करवा सकते हो। फिर भी नहीं आ रहा तो हो सकता है कि उस जानवर के अंदर विटामिन की डिफिशियंसी हो। विटामिन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी विटामिन जो प्रजनन से संबंधित है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, ये मुख्यतः 3 विटामिन तो आपको चाहिए प्रजनन के लिए। तो ये भी विटामिन जो है मार्केट में रेडीमेड रूप में मिलती हैं, तो वो उसको भी आप बांट वगैरह आप शुरू कर रखा है उस बांट वगैरह में डालकर आप उस जानवर को दे सकते हो। अगर विटामिन डेफिशिएंसी जो है उससे नहीं बोल रहा तो जानवर बोल जाएगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है पशुपालक के हाथ में, यहाँ डॉक्टर का या पशु चिकित्सक का कोई रोल नहीं है। इतने में ही लगभग मुख्य रीजन तो यही होते हैं जिससे जानवर जो है हीट में आ जाता है, ठीक है। तो ये उसको पशुपालक को घर पे करना चाहिए। अब अगली चीज जो है, जो लास्ट जो मैंने बताया परसिस्टेंट सीएल कॉर्पस ल्यूटियम। अब कॉर्पस ल्यूटियम जब तक ओवरी में रहेगा तब तक जानवर हीट में नहीं आएगा, तो कॉर्पस ल्यूटियम को घोलना है आपको, घोलने की ज़रूरत है। तो घोलने के लिए पशुपालक को अगर बिना डॉक्टर के परामर्श के भी मार्केट के अंदर ऐसी बहुत टैबलेट आती है जिसको क्लोमिन किट बोलते हैं, क्लोमिन किट्स के नाम से टैबलेट आती हैं, 5 पत्ते वो आपको देगा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी अवेलेबल है, ठीक है। 5 पत्ते देगा, 1 पत्ते में 3 गोलियाँ आती हैं, 2 गोलियाँ कॉपर सल्फेट की आती हैं और बीच वाली गोली जो है वो क्लोमिन की आती हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जो 2 गोलियाँ कॉपर सल्फेट की हैं वो देनी है, 1/2 घंटे तक आपको वेट करना है, उसके बाद में बीच वाली जो क्लोमिन की गोली है वो आपको देनी है। तो डेली आपको 1 पत्ता देना है, 5 दिन तक आपको पत्ता देना है। मान लो कि आपने पहला पत्ता आप जानवर को दिया और जानवर हीट में आ गया, तो आप जो है वो आपकी जो आगे वाली टेबलेट है उसको रोक दो, उसका कृत्रिम गर्भाधान करो, ठीक है। तो ये आप ये सारे उपाय करके जो है अपने जानवर को ताव में ला सकते हो, तो ये है इसका इलाज। हम बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, हमें उम्मीद है पशुपालकों को लिए ये बहुत ही फायदेमंद रहेगा। और एक मैं और बताऊंगा आपको बात, इस मेजर रोल के अंदर जो है सबसे बड़ी कमी है पोषण की। तो पशुपालकों से मैं भी ये अनुरोध करूँगा कि आप पोषण को सही ढंग से समझिए, पोषण समझिए। आप जानवर को अगर खान पीन में कंजूसी करोगे तो वो जानवर 2.5 साल की जगह 5-6 साल ले लेगा, तो आपके 2.5-3 साल ज़्यादा खाना खा लिया, आपके घर पे ज़्यादा जगह ले ली, आपको जो आर्थिक फ़ायदा उस जानवर को देना था वो नहीं दे पाएगा। इसलिए आप बैलेंस डाइट उसको दें ताकि जल्दी से जल्दी वो जानवर है वो हीट में आ जाए। और अगर आप बैलेंस डाइट दे रहे हो और अन्य कारण है तो मैंने सारे कारण बताए, वैसे आप उपाय कर सकते हो। इस टाइम पर सबसे ज़्यादा पशुओं में हमने ये देखा है डॉक्टर साहब कि इसमें यहाँ पर लगभग लोग मिनरल्स के बारे में इतने जागरूक नहीं हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो अपने शरीर के अंदर खनिज लवण है एक बड़ा चैप्टर है, लेकिन पशुपालकों के लिए मैं ज़्यादा गहरी टर्मिनोलॉजी यूज नहीं करूँगा, हल्की टर्मिनोलॉजी यूज करूँगा क्योंकि समझने में उनको दिक्कत है, क्योंकि हर पशुपालक साइंस से जुड़ा हुआ नहीं। ये खनिज लवण जो है अपने शरीर के अंदर 2 भागों में बांटे गए हैं, एक जिनकी मात्रा ज़्यादा चाहिए शरीर में उनको वृद्ध खनिज लवण बोलते हैं, एक कम मात्रा में चाहिए उनको लघु खनिज लवण बोलते हैं। दोनों की उपयोगिता समान ही है, जिसकी मात्रा कम है इसका मतलब ये नहीं कि उसकी शरीर में उपयोगिता कम है, नहीं, उपयोगिता वृद्ध खनिज लवण के समान ही है। अगर इनमें से किसी भी खनिज लवण की कमी होती है, जैसे मान लो कि फॉस्फोरस की कमी हो गई, जिंक की कमी हो गई, तो इनका प्रजनन में रोल है, ठीक है ना। तो प्रजनन में रोल है, तो जब इन खनिज लवणों की कमी हो जाएगी तो प्रजनन की प्रक्रिया रुक जाएगी, जानवर ताव में नहीं आएगा। तो आप अपने जानवरों को लगातार खनिज लवण देते रहें, 12 महीने देते रहें। आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि कैल्शियम में भी सबसे ज़्यादा, दूध के अंदर भी सॉरी, सबसे ज़्यादा कैल्शियम आता है, उसके बाद में फॉस्फोरस आता है, उसके बाद मैग्नीशियम आता है। अगर ये खनिज लवण आपने मुझसे नहीं दिया तो आपके जानवर का दुग्ध उत्पादन भी घट जाएगा, और आपको ये खनिज लवण दोगे तो जानवर रेगुलर टाइम पर हीट में आएगा, उसके दूध उत्पादन पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, और अभी सभी से हमारा अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।